अब ये चाय सब लोग के लिए साधारण हो गए, गरीब भी पी सकते हैं अमीर भी पी सकते हैं। 450 का चाय है, सबके लिए ये मतलब पीना जरूरी है। तो यही RGGL का सत्तु इसमें डाला हुआ है। अगर आप इस चाय के माध्यम से आपके शरीर में जितना मतलब आप इस चाय को पानी पिए तो आपके शरीर में जितना पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जितना आपका शरीर में गंदगी गए, टॉक्सिन गए, तो इसका काम है पूरे बॉडी को साफ़ सफाई करना, नस नस से टॉक्सिन निकालना, पूरे बॉडी को साफ़ सफाई कर। जब ये आपका बॉडी पूरा साफ़ सफाई हो जाएगा तो आपको जो गैस बनता होगा, ये गैस का रामबाण है आपका। अगर गैस, इससे आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेन बीमारी का कारण है दो चीज़, एगो टॉक्सिन गंदगी, एगो भोजन को जो कमी, जो भोजन में हम लोग को WHO का अनुसार कहता है एक आदमी को आधा लीटर दूध लेने के लिए, फल फूल लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए, माछ मछली लेने के लिए, काजू किशमिश लेने के लिए, हर एक रंग का विटामिन कहता है डेली लेने के लिए। बहुत आदमी ले भी लेता है, बहुत आदमी नहीं ले पाए, लेकिन जो लेता भी है वो भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी जितना साग सब्जी, जितना फल फूल, जितना कुछ मिलता है, आप सब जानते हैं कि बिना दवा का कोई चीज़ नहीं उपजता है। जब तक हम उसमें खाद केमिकल नहीं डालते हैं तब तक अनाज की, फल फूल की, साग सब्जी नहीं होता। तो वो जो आता है, तो वो जो हम लोग खाते हैं खाद केमिकल वाला, तो वही हम लोग का बीमारी का मेन कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए ये अगर इसी केनो टी हम पियेंगे तो हमारे शरीर में जितना टॉक्सिन और गंदगी है सबको साफ सफाई कर देगा। और ये एस्पालूना है, ये एस्पालूना समुद्री काई से बना हुआ है, जिसको काई के खाकर कछुआ, हुल मछली 5500 बरस जिंदा रहता है। तो इसी पर वैज्ञानिक जब सर्च किए, जो पहले ज़माना में लोग 100 बरस से अधिक क्यों जीते थे, लेकिन आज के डेट में लोग मतलब 60 बरस में हजारों बीमारी लेकर अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते, आखिर क्या कारण है। तो इसी कारण को जब जाना तो हम लोग को जो खान पान होना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसी के कारण क्या होता है, हम लोग पहले कमज़ोर पड़ते हैं, कमज़ोर होने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको इंग्लिश दवा देते हैं, कुछ दिन तो हम दवा खाकर ठीक होते हैं, उसके बाद फिर वो सही को वो सही रहते हैं, क्योंकि जो खान पान होना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर आप ये एस्पालूना सुबह दो और शाम दो अगर लेते हैं, तो आज आप साग सब्जी नहीं खाएं, आज फल फूल नहीं खाएं, आज माछ मछली नहीं खाएं, आज आधा लीटर दूध नहीं लिए, कुछ नहीं भी लिए, अगर दे दो एस्पालूना आप ये ले लिए, तो आपका इतना शरीर में विटामिन का कमी था, जितना पोषक तत्व का कमी था, सब ये एस्पालूना पूर्ति कर दिए। क्योंकि ये जो एस्पालूना है ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये सब खा सकते हैं, बच्चे को भी खिला सकते हैं, परिवार में जितने आदमी हैं सब फैमिली अगर चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में हम कभी बीमारी में नहीं जाएं, हम बड़े बड़े बीमारी से बचेंगे, तो ज़्यादा किच नहीं, क्योंकि भगवान तो हमें भेज दिया है बचने के लिए ये दो समाधान। लेकिन आप लोग अगर नहीं इसको अपनाइएगा तो आपका आगे क्या होगा वो खुद आप ही जानिएगा और दूसरा भगवान ने जानेगा। हम तो आपके बता रहे हैं जो अभी भी आप संभल जाइए, क्योंकि इतना दिन नहीं आपको पता था इसके बारे में, तो आप अनजान थे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप मोबाइल पर भी, यूट्यूब पर जहां खोजिएगा वहां डिएक्शन गेनोडर्मा के बारे में दिया हुआ है, आप जहां से जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ से आप लेकर अपना भविष्य को, अपना परिवार को, अपने बच्चे को ये दो प्रोडक्ट खिलाकर बचा सकते हैं। तीसरे में हो गया ये नोंडी, जैसे